दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं लेखपाल रिजल्ट अपडेट पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम हमारा कब तक घोषित किया जाएगा, तो उसी के संदर्भ में 20 दिसंबर मीन्स आज की बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के संदर्भ में। आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष ऑफिशियल नोटिस पर चर्चा किया जा रहा है, उसके संदर्भ में यूपी ट्रिपल एससी इस डेट को जारी करेगा रिजल्ट। जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी के मन में, अगर आपने यूपी लेखपाल परीक्षा का जो परीक्षा दिया था तो आप सभी को अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। आपने जो है ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लिया, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपका जो यूपी लेखपाल का रिजल्ट है वह कब तक घोषित किया जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं 80 फ्रॉड कॉलेज व फ्रॉड अभ्यर्थियों की लिस्ट। आप सभी को पता है कि इस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की गई जिस विद्यालय में परीक्षाएं हैं उस परीक्षा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 80 फ्रॉड कॉलेज पाए गए हैं। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, 80 फ्रॉड कॉलेज यानी लेखपाल भर्ती की परीक्षा जिस विद्यालय में आयोजित की गई थी, अगर उस टोटल विद्यालय की बात करें तो टोटल विद्यालय में से 80 फ्रॉड कॉलेज पाए गए हैं, यानी 80 कॉलेज में पूरी तरह से फ्रॉडबाजी की गई है अभ्यर्थियों के साथ। ठीक है, अभ्यर्थियों के साथ कहने का मतलब उसमें जैसे किसी के साथ नकल कराया गया या कुछ, मतलब अराजकता उसमें पाई गई है। ठीक है, नीचे यहाँ देख पा रहे हैं डीवी व सिलेक्शन वाले कट ऑफ। एक बड़ा मुद्दा आपका बना हुआ है कि आखिरकार इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन वाले कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। नीचे 15,000 फ्रॉड अभ्यर्थी अंदर होंगे या बाहर, यह सबसे बड़ा मुद्दा आपका है भैया कि जो 15,000 अभ्यर्थी इसमें फ्रॉड पाए गए हैं वो बाहर होंगे कि अंदर होंगे, इस पर भी मुद्दा आपका बना हुआ है। ठीक है, नीचे बोनस अंक का क्या है मामला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको उस अपडेट से रूबरू कराते हैं जो रिजल्ट के संदर्भ में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकल कर आ रही है। आपके समक्ष अपडेट्स लगी है, आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत कहा जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम फरवरी तक आने की उम्मीद, उत्तर कुंजी पर हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने से अटका परिणाम, 8085 पदों के लिए 31 जुलाई को कराई गई थी परीक्षा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, 15 मिनट पहले के अपडेट में आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपसे आगे कहा जा रहा है कि लेखपाल भर्ती का परिणाम फरवरी तक आने की उम्मीद, उत्तर कुंजी हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण जो है परिणाम 8085 पदों के लिए 31 जुलाई को हुई थी परीक्षा। अच्छा, इसके अंतर्गत आगे आपसे पूरी अपडेट अब कही जा रही है। देखिए, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के 2,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार है। भर्ती में आरक्षण और उत्तर कुंजी को लेकर उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिणाम जारी करने की कार्यवाही नहीं कर पा रहा। आयोग का मानना है कि जनवरी में याचिका निस्तारित होने पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक लेखपाल भर्ती के परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके आगे राजस्व विभाग में 8085 पदों के लिए बीते 31 जुलाई को भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 2,12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1 अगस्त को उत्तर कुंजी जारी कर जो है उस पर 7 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियाँ मांगी गई थी, लेकिन उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सूत्रों का कहना है कि भर्ती का आरक्षण निर्धारण के को लेकर भी याचिका दायर की गई, इसमें आयोग ने अब तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है, जनवरी में याचिका का निस्तारण होने की उम्मीद है, इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फरवरी तक परिणाम जारी होने की संभावना है, वहीं अभ्यर्थी परिणाम जारी न होने से परेशान है। ये अपडेट आपने देखा, उस अपडेट में आपसे साफ कहा जा रहा है कि आपका जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का मामला है, कहीं ना कहीं बोनस अंक का भी मामला है, आरक्षण का मामला, ठीक है, इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी उस पर फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का नहीं आया है। आयोग का कहना है कि जैसे ही फाइनल डिसीजन कोर्ट का आता है अगर हम फरवरी तक आपका परिणाम जारी कर देंगे। मेरे दोस्त, हमने आपसे यही कहा था कि जब तक आपके हाई कोर्ट का परिणाम या अगर कहा जाए फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आपके इस लेखपाल
लेखपाल भर्ती का परीक्षा का परिणाम नहीं जारी होगा। और आज वही चीज़ें सत्य हुई। हमने आपसे बताया था कि जनवरी के लास्ट तक आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम आने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन इसमें तो कहा गया, देख पा रहे हैं, और हमने यहाँ कहा था कि जनवरी लास्ट तक, और एक बात और हमने कहा था कि आपका इस लेखपाल भर्ती का परीक्षा का परिणाम उस आदेश पर निर्भर करता है जो माननीय न्यायालय के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो यह मानकर चलिएगा कि फरवरी तक आपकी परीक्षा का परिणाम आने की उम्मीद है, अगर कोर्ट का आर्डर जो है फाइनल हो जाता है। अच्छा, यहाँ डीवी व सिलेक्शन वाले कट ऑफ क्या हो सकती है? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि 80, 82, 83 के ऊपर कट ऑफ जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर 80, 82 के ऊपर कट ऑफ जाएगी तो यह अपने आप में एक मायने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए 80, 82 आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन वाले कट ऑफ पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वीडियो के लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। 15,000 अभ्यर्थी अंदर होंगे या बाहर, देखिए, अगर 15,000 अभ्यर्थी की बात किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। 15,000 अभ्यर्थी यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बातें कही गई थी। अब जो भी होता है आयोग और STF की टीम पर निर्भर करता है ये किस प्रकार के फाइनल डिसीजन लेते हैं। आयोग का फिलहाल के लिए अभी भी लेखपाल भर्ती परीक्षा पर जो है अगर देखा जाए तो अभी भी सर्च अभियान जारी है कि कहां किस प्रकार से फ्रॉडबाजी कराई गई। बोनस अंक का क्या है मामला, आपने देखा अभी 2-3 नंबरों का मामला चल रहा है। अब यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे क्या करता है, ठीक है। 80 फ्रॉड कॉलेज की लिस्ट आपके समक्ष जारी की गई, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप फ्रॉड कॉलेज की लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आएगा, हो सकता है आप भी उस फ्रॉड कॉलेज के सेंटर पर रहे हों लेकिन आप एक फ्रेश कैंडिडेट के तहत आते हैं, यानी आपके द्वारा किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं पाएगी, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट के तहत रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, भले ही आपका सेंटर उस फ्रॉड कॉलेज में रहा हो, ठीक है। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रिजल्ट के बारे में हमने आपको बताया कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फरवरी के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।